मथुरा वृंदावन नगर निगम की बजट बोर्ड बैठक शुरू होने से पहले ही जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान भाजपा की महिला पार्षद ने नगर आयुक्त से अभद्रता की, मंच की ओर बढ़कर उनकी तरफ चप्पल उठा ली। इसके बाद विधायक ने हस्तक्षेप किया तो उनके खिलाफ भी नारेबाजी की गई। इस हंगामे के दौरान नगर आयुक्त सहित मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु ने भी सभी को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात भी पार्षदों ने नहीं सुनी। दरअसल महानगर के एक होटल में बोर्ड की बैठक शुरू होने वाली थी, तभी वार्ड 24 की पार्षद दीपिका रानी सिंह मंच पर बैठे नगर आयुक्त रविंद्र कुमार मांधड़ के पास पहुंची, उनसे कुछ समस्याओं के बारे में अवगत कराया। इस पर नगर आयुक्त ने बैठने और कुछ समय बाद चर्चा की बात कही। बस इसी बात से नाराज पार्षद ने चप्पल उतार कर नगर आयुक्त के ऊपर तान दी, तभी कुछ कर्मचारियों ने पार्षद से चप्पल छुड़ा ली। नगर आयुक्त ने बताया कि लॉकडाउन में जब लोग घरों में कैद थे तब नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी काम पर थे। इस पर बाकी पार्षदों ने एक स्वर से विरोध किया और नारेबाजी करने लगे। इसी बीच विधायक पूरण प्रकाश ने पार्षद को गिरफ्तार कराने की बात भी कही। मथुरा से जनमत न्यूज के लिए सैयद जाहिद की रिपोर्ट।